फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक शानदार लेसन जो रिटेन इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश और कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स आज हम एडवर्ब का वो पार्ट देखेंगे जहाँ अक्सर लर्नर कंफ्यूज हो जाते हैं और कम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसके पहले कि मैं इन सब के बारे में कुछ कहूँ, मैं आपको बता दूँ कि हम में से ज्यादातर लोग ये जानते हैं कि होम के पहले टू नहीं लिखा जाता, जैसे आई गो होम, लेकिन बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि ऐसा क्यों। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ऐसा क्यों होता, होम के पहले टू क्यों नहीं लिखा जाता। तो आइए फ्रेंड्स इस शानदार लेसन की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एडवर्ब के साथ किसी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कभी नहीं किया जाता, यानी किसी एडवर्ब के साथ आप प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि आप सोचे कि एडवर्ब क्या होता है। तो फ्रेंड्स एडवर्ब क्या होते हैं और वो कितने तरह के होते हैं, इस टॉपिक पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपने वो वीडियो देखा है और आपको ये बात पता है। दिस लास्ट नेक्स्ट और ऑल, अगर इस वर्ड्स के बाद मॉर्निंग इवनिंग नून नाइट डे वीक मंथ ईयर ऐसे वर्ड्स आए तो आप इनके साथ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कभी ना करें। बहुत इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स, इस बात को हमेशा आप याद रखेंगे कि अगर दिस लास्ट नेक्स्ट और ऑल के बाद ये सभी वर्ड आएंगे मॉर्निंग इवनिंग नून नाइट डे वीक मंथ ईयर तो आप किसी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आप करेंगे तो आपके सेंटेंस रॉन्ग हो जाएंगे, जैसा कि मैंने एग्जांपल में किया हुआ है ताकि आपको मैं अच्छा से समझा सकूं। दे रीच्ड हियर इन दिस मॉर्निंग, तो फ्रेंड्स आप यहां देख सकते हैं कि दिस के साथ मॉर्निंग आया हुआ है। तो इस सूरत में अगर आप किसी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि मैंने एक प्रीपोजिशन लिखा हुआ है, तो अगर आप ऐसी गलती करेंगे तो आपके सेंटेंस रॉन्ग हो जाएंगे। आपको यहाँ पर प्रीपोजिशन नहीं लिखना चाहिए। अब ये सेंटेंस करेक्ट है। दूसरा एग्जांपल है सी विल कम नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट के बाद ईयर आया हुआ है, जैसा कि मैंने आपको समझाया कि अगर इन वर्ड्स के बाद ये सभी वर्ड्स आए तो उनके पहले किसी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करना है, जैसा कि मैंने यहाँ पर नहीं किया है, इसलिए यह सेंटेंस करेक्ट है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ तो आपको ये बात समझ में आई कि अगर दिस लास्ट नेक्स्ट और ऑल के बाद ये सभी वर्ड आएंगे तो इन वर्ड्स के पहले किसी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करना है। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों, तो मैं आपसे कहूंगा फ्रेंड जब इन वर्ड्स के साथ वो सभी वर्ड्स आते हैं तो इस सूरत में ये वर्ड्स एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं, यानी वो एडवर्ब होते हैं जिसे टाइम का पता चलता है। और मैंने सबसे पहले यही कहा कि एडवर्ब के साथ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये एडवर्ब ऑफ टाइम है और चूंकि एडवर्ब के पहले प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं किया जाता इसलिए यहाँ पर कोई प्रीपोजिशन नहीं लिखना है। आइए फ्रेंड्स अब देख लें कि होम के पहले टू क्यों नहीं लिखा जाता। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने टू नहीं लिखा है, क्यों? फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपसे कहूंगा होम एक नाउन है। जब आपके सेंटेंस में होम लिखा हो और होम के पहले कोई एग्जेक्टिव नहीं आया हो, जैसे माई हिज हर देयर योर, कोई एग्जेक्टिव नहीं आया हो, तो फ्रेंड्स वहाँ पर होम एडवर्ब ऑफ प्लेस का काम करता है, यानी वहाँ पर होम का इस्तेमाल एडवर्ब ऑफ प्लेस के जैसा होता है। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एडवर्ब के साथ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसीलिए फ्रेंड्स होम के पहले टू नहीं लिखा जाता, क्योंकि यहाँ पर होम का इस्तेमाल एडवर्ब ऑफ प्लेस के जैसे हुआ है। और चाहे कोई भी एडवर्ब हो, एडवर्ब के पहले प्रीपोजिशन नहीं आते। लेकिन फ्रेंड्स अगर होम के पहले कोई एग्जेक्टिव आता, जैसा कि यहाँ होम के पहले माई लिखा हुआ है, यानी एक एग्जेक्टिव आया हुआ है, तो इस सूरत में हम गो के बाद टू का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर होम एज ए नाउन आया हुआ है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई कि जब होम के पहले कोई एग्जेक्टिव नहीं आता है तो होम का इस्तेमाल एक एडवर्ब ऑफ प्लेस के जैसे होता है और किसी भी एडवर्ब के पहले प्रीपोजिशन लिखा ही नहीं जाता। होम के पहले टू नहीं बोला जाता है और कहा जाता है आई गो होम। लेकिन बाय द वे अगर होम के पहले कोई एग्जेक्टिव है तो टू लिखा जाएगा, आप कहेंगे आई गो टू माई होम। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। फ्रेंड्स अगर वाकई इस कंसेप्ट को आपने समझा, क्या आप कमेंट बॉक्स में ये बता सकते हैं कि आपने इस लेसन में क्या खास सीखा या आपने क्या सीखा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कमेंट बॉक्स में आप जरूर टाइप करें जो आपने इस लेसन में सीखा और मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।